ऑल राइट दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हिल स्टेशन पे गया हूँ या किसी बहुत ही अच्छे माउंटेन या किसी ऐसे लोकेशन पे गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जगह है ये मेरे घर के पीछे की जगह है जहाँ मैं मुंबई में रहता हूँ। उस घर के पीछे की जगह है, ये हमारी व्हाट आई कॉल आई स्टे वेरी क्लोज टू फिल्म सिटी। और फिल्म सिटी के पीछे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये वही पेड़ हैं जिनकी बातें बड़ी इस समय मीडिया में चल रही हैं कि आरे के जंगल के पेड़ काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए। एनीवे, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ ना अपने बचपन की स्टोरी शेयर करूं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा घर का नाम है बचपन में जब मैं बहुत छोटा था जो रखा गया है वो नाम है गिची। गिची एक गढ़वाली वर्ड है और गिची का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही बोलने वाला है। मेरे बचपन की कुछ बातें जो मुझे अभी भी याद है, मुझे लगा कि मेरे जितने भी YouTube के फ्रेंड्स हैं उनके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो जब मैं बहुत ही छोटा था, यानी मैं दूसरी तीसरी क्लास में रहा होऊंगा, तो तब एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा ने किसी चीज़ में मेरे को बोला कि अरे यार मैं वहाँ रखा है ना गिलास, तो फिर मैंने कहा ठीक है मोहन चंद्र मैं गिलास उठा देता हूँ। मेरे पापा ने मुझे चपेट मार दी, कहते तुमने मेरे नाम कैसे लिया। तो मैंने कहा आप ही ने तो मुझे यार कहा कि अरे यार वहाँ पर रखा है ना गिलास, मैं आपका बेटा हूँ ना, यार थोड़ी ना हूँ, और अगर आप मुझे यार कहते हैं तो मैं आपकी तरह यार की तरह ही बिहेव करूँगा। तो मेरे पापा बड़े हैरान हुए उस समय, उनको लगा कि यार इस लड़के में कुछ तो बात है और ये बड़े होकर के बड़ा टैलेंटेड बनेगा। एक दूसरी बात जो मेरे को अपने बचपन की बहुत याद आती है, हम गढ़वाल में रहते थे तब, हमारा गांव है गढ़वाल में उत्तराखंड में। तो तब क्या हुआ कि मेरे मम्मी ने ना दाल और चावल के ऐसे डिब्बे रखे रहते थे कि डिब्बे रखे हुए हैं उसमें दाल चावल ऐसे डिब्बे रखे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर मैंने देखा कि दो बड़े डिब्बे थे और उसके साथ एक छोटा डिब्बा भी हो गया वहाँ पे। तो फिर मैं अपने मम्मी के पास दौड़ा दौड़ा गया, मैंने कहा मम्मी 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 कल रात को ना डिब्बे का बच्चा हो गया, अब देखो हमारे दो डिब्बों के साथ एक छोटा डिब्बा भी है, तो यानी हमारे घर में बच्चा हो गया डिब्बे का। और मेरी मम्मी इतना हंसे, मैंने कहा पता नहीं क्यों हंस रहे हैं वहाँ पर, तो वो बहुत हंसे मेरी मम्मी और उन्होंने पूरे गांव में बताया कि गिरीश ये बोल रहा है कि डिब्बे का बच्चा हो गया। तो मेरे लिए तो यही था, मैंने कहा मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे घर में एक बड़ा डिब्बा है और एक उसके साथ दूसरा बड़ा डिब्बा है, हम गए वे सुबह देखा तो एक छोटा डिब्बा भी वहाँ पर होया हुआ था, वो डिब्बे का बच्चा है। तो अब मैं कभी अपने गांव में जाता हूँ तो सभी मुझे ऐसे चिढ़ाते कह के कि डिब्बे का बच्चा डिब्बे का बच्चा। और तीसरी मेरी जो बचपन की स्टोरी है, जब मैं 5-1 साल का था, तो 4-5 साल का, तो हमारे गांव में क्या होता है कि सब लोगों जब भी कोई फंक्शन होता है शादी होता है तो सब लोग एक साथ रोटियां बनाते हैं, एक साथ खाना हो रहा है वहां पर, तो एक साथ पूरे गाँव का खाना बन रहा था। और उस एक साथ जो पूरे गाँव का खाना बन रहा था उसमें जब मैं 4-5 साल का था, हम बच्चे बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चे ने मुझे पूरे जो खाने की आग जल रही थी उसमें डाल दिया था। तो मेरा जो ये अभी तक ये निशान इसमें बने हुए हैं यहाँ पर, तो मेरा ये पूरा का पूरा पाँव मेरा जल गया था और मैं 5 साल का था और मेरा ये पूरा हाथ भी जल गया था। तो और गांव में तो 10-10 किलोमीटर तक कोई डॉक्टर नहीं होता था वहाँ पर, तो फिर मुझे लोगों ने को लगा कि ये तो ऐसी मर जाएगा यहाँ पर ही, यहाँ पे मतलब ऐसी सब लोगों ने मेरे से उम्मीदें छोड़ दी थी कि ये ज़िंदा भी रहेगा कि कैसे ना कैसे करके। तो 3 महीने तक मुझे ऐसे बिना नलाए बिना धुलाए रखा और मेरे को मेरा एक हाथ और एक पाँव बांध के रखते थे कि ये कहीं छील ना दे, क्योंकि मैं पूरे खुजली होती थी तो मैं पूरे मांस से उसको छील देता था। एंड सबको मैं बोलता रहता था कि फूक मारो फूक मारो फूक मारो। तो अब मैं इतना बड़ा होने के बाद जब गांव जाता हूँ तो सब लोग मुझे ये बोल के चिढ़ाते रहते हैं फूक मारो फूक मारो फूक मारो। दोस्तों बचपन एक ऐसा होता है जो हमें पता नहीं चलता कि हमारा कब बचपन बीत जाता है और हम एकदम से बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, रोज का कॉम्पिटिशन है, रोज कल से ज़्यादा अच्छा आज कर रहे हैं। लेकिन ये सब कहानियाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने दिल के बच्चे को आपको कभी नहीं मारना चाहिए। वो दिल का बच्चा जब तक आपका ज़िंदा है ना, तो आप ज़िंदगी खुशहाल रहोगे और खुशी के साथ जियोगे। और जगजीत सिंह की एक गज़ल के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो।
वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो ये बचपन हमेशा याद रहता है, तो आज मुझे मेरा बचपन याद आया, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल पीपल। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।